हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ट्रिपल सी क्रैश कोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है जनरेशन के बारे में, उसका एक अलग सेशन है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लो जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था काफ़ी बड़ा था, आप इसका साइज देख सकते हो थोड़ा, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद मैं कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट जनरेशन से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लो। इसमें जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, मैंने वैक्यूम ट्यूब था इसमें मेन, जैसे कि अभी हम आईसी यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही ये वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन को वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अनरिलायबल था, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, यानी जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो केवल मशीनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। वेरी कॉस्टली, क्योंकि जो एक रूम के आकार का होगा ह्यूज साइज, तो जाहिर सी बात है कि वेरी कॉस्टली होगा। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, यानी बहुत से हीट को, मतलब कह सकते हैं इसको कि काफ़ी गर्म हो जाता था। ठीक है ना, स्लो इनपुट ऑन आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना, बहुत ही स्लो काम करता था, बहुत बड़ा साइज था। नीड ऑफ एसी, यानी इसको एक एसी चाहिए था ठंडा करने के लिए। इसमें उस टाइम यूज़ किया गया था फैन बहुत यूज़ किया गया था, ठीक है ना, और इसको ठंडा करने के लिए पानी का भी सिस्टम यूज़ किया गया था। और नॉन पोर्टेबल था, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज़ करता था। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ये पूछता है कि इसे पूछ जाएगा कि ENIAC जो होता है, ठीक है, और IDVAC क्या होता है, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, IBM 701, IBM 650, ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कई बार, ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ख्याल रखना कि IBM 701 और IBM 650 और ENIAC UNIVAC, क्या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और ENIAC है, ठीक है ना, तो इनको ख्याल रखना इसको अच्छे से कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ये है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि मैं सेकेंड जनरेशन कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखा रहा हूँ, इसका अलग सेशन बना हुआ है, तो वो आप सेशन देख लेना, ठीक है ना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो फर्स्ट वाला था वैक्यूम ट्यूब, और इसमें क्या है, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, ठीक है ना, इसको बोलते ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बोलेंगे हम। और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक था ये वाला, और स्मॉलर साइज था कंपेयर फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, ठीक है ना, और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो फर्स्ट जनरेशन था वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, तो जो सेकेंड जनरेशन आया वो कम थोड़ा यूज़ किया। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ये थोड़ा फास्ट था, स्टिल वेरी कॉस्टली, इससे थोड़ा सा कॉस्टली था। एसी नीडेड, यानी इसको ठंडा करने के लिए एसी चाहिए। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो सेकेंड जनरेशन है वो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है वो केवल मशीन को सपोर्ट किया, मशीन लैंग्वेज को, ओके ना, ये इसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकता है, एक और चीज़ कि IBM 1620, देखो उसमें तीन अंक था, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, अच्छा रहेगा और भी तरीका, कि IBM उसमें तीन अंक था तो वो फर्स्ट जनरेशन था। इसमें क्या है, फोर डिजिट है, 1620, IBM 7094, CDC और CDC UNIVAC 1108, यानी जो 44 डिजिट दिख रहा है ये क्या है, ये है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, ओके, इसको आप ख्याल रख सकते हो, ठीक है ना। उसमें थ्री डिजिट था और इसमें क्या, फोर डिजिट। इसके बाद इसको आप देख सकते हो, ये है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में क्या क्या हो सकता था, ये थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो मैं समझा देता हूँ। थर्ड जनरेशन को क्या में यूज हुआ था, जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, तो और थर्ड में क्या हो जाएगा, IC यूज किया गया था। और IC क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन का, ठीक है ना, ख्याल रखना, सिलिकॉन का नहीं, सिलिकॉन, ओके, मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू प्रोवाइड टू जनरेशन, यानी दोनों जनरेशन के मुकाबले अच्छा था। स्मॉलर साइज है, वो एक रूम के आकार का था, अभी आपके सामने ये दिखा, ये उससे छोटा है। जनरेटेड लेस हीट, यानी कम हीट उत्पन्न करता था। फास्टर था, लेजर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस करने में थोड़ा आसान था, स्टिल कॉस्टली, ठीक है ना, और AC नीडेड, इसको भी ठंडा करने के लिए जरूरत पड़ेगा। कंजर्व लेजर इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस पर कम बिजली की यानी क्या हो सकता है, खपत कम होती। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ जानो कि जो फर्स्ट था मशीन लैंग्वेज सपोर्ट किया, सेकेंड जनरेशन क्या था, मशीन और कौन सा था, असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट किया, लेकिन जो तीसरा जनरेशन होगा वो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा आपके लिए, ये चीज़ ख्याल रखना, ठीक है ना, सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद इससे रिलेटेड कौन से कंप्यूटर थे, कंप्यूटर के नाम जान लो, IBM 360 सीरीज, ओके, सीरीज लग गया,
यानी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगा, सीरीज लग गया तो ये थर्ड जनरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको याद करना है तो इस तरह से कैसे याद हो जाएगा, ठीक है ना, वो देख लेना। इसके बाद हनीवेल 6000 सीरीज PDP है, यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर IBM 370 TDC, ठीक है। तो ये चीज़ें थर्ड जनरेशन में था। अब ये देख सकते हो, ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, यानी जो वर्तमान पीढ़ी भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। ओके, इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है, अब आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है। ओके, अब जो फोर्थ जनरेशन है, इसका जो मेन कंपोनेंट क्या है, वो है VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेरी चीप, वो उनके मुकाबले सस्ती है, पोर्टेबल है, रिलायबल है, यानी एक स्थान अगर मेज पर रखा जाए, ठीक है, मेज से इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना इस चीज़ को, ठीक है। और यूज़ ऑफ PC, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ओके, इसके बाद इसका जो साइज था, बहुत ही स्मॉल साइज है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग है, AC, इसमें AC की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस, यानी जो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है इसी में आया, किसमें, फोर्थ जनरेशन में, सही से। ओके, इसके बाद ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क में, काफ़ी अच्छा यूज़ किया, कंप्यूटर बिकम इजली अवेलेबल। और जब ये फोर्थ जनरेशन आ गया तो काफ़ी अच्छे से, मतलब लोगों को भी कंप्यूटर अवेलेबल होने लगा धीरे धीरे। इसके बाद इस जनरेशन के जो मेन मेन कंप्यूटर क्या हैं, DEC 10, STAR 1000, PDP 11, Cray 1 और Cray X। ये क्वेश्चन पूछ चुका है क्रे के बारे में, PDP के बारे में पूछ दिया है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो PDP क्या है, फोर्थ जनरेशन का है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की, बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं AI का, मतलब AI का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करेंगे ना, ठीक है। मतलब जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होंगे, जैसे कि C++, COBOL, जावा, ठीक है ना, इन सब का जनरेशन होगा। जैसे क्या, रोबोटिक्स बनाना, या न्यूरल नेटवर्क बनाना, गेम प्लेइंग वगैरह, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, ठीक है ना, जिसमें कि लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशन हो डिसीजन लेने का, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मतलब जो आगे जो आने वाली जनरेशन है, उन सब चीज़ों के लिए ये डेवलप किया जा रहा है, फिफ्थ जनरेशन। आप इसको देख सकते हो थोड़ा सा लुक इसका, और इसके अंतर्गत क्या ये ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके, और एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग काम करेगा, एडवांस सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, मतलब जितना भी हो ना, मतलब यूज़र फ्रेंडली बना दिया जाएगा, इतना होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं क्या, डेस्कटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, और लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, नोटबुक भी यूज़ कर रहे हैं, और अल्ट्राबुक क्रोमबुक तक आ जाएगा, ठीक है ना, यानी मोबाइल से भी अब कुछ और भी अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना। अभी तो बात की जा रहा है कि वर्चुअल काम किया जाए, यानी आपके पास डिवाइस नहीं, आपके पास केवल गूगल होगा, यानी चश्मा आप लगा लो, आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह देखना है आपको तो केवल गूगल लगा के भी देख सकते हो वर्चुअली। ओके ओके, ये रहा वीडियो का एंड, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके ना।